हाय गाइस दिस इज नीरज एंड यू वॉचिंग क्यू ट्रिक्स आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का लेसन टू देखेंगे और लेसन टू में मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं और मिक्सचर एलिगेशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन सबको कवर करा पाऊं इसके बाद के लेसन में हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं तो बिफोर स्टार्टिंग यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वही चीज मैं कहूंगा आपसे जो लेसन वन में मैंने आपसे कही थी मिक्सचर एंड एलिगेशन के एक फिगर बनाइए अपने दिमाग में और उस तरीके से एंड एलिगेशन को समझिए ठीक है वो बहुत ज्यादा जरूरी है तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टू एलॉयज ए एंड बी कंटेन्स आयरन एंड सिल्वर इन द रेशियो सेवन रेशियो फाइव एंड फाइव रेशियो थ्री इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ एलॉयज आर इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ एलॉयज आर मेल्टेड एंड रिकॉस्ट इन टू अलॉय व रेशियो बिटवीन आयरन एंड सिल्वर इन द एलॉय देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दो अलॉय है अलॉय तो आप समझते हैं ना दो अलॉय है एक एलॉय ए है एक अलॉय बी है ठीक है अब दोनों ही अलॉय में आयरन और सिल्वर का जो रेशियो है पहले एलॉय में यानी अलॉय ए में जो रेशियो है वो सेवन रेशियो फाइव है यानी यानी सेवन पार्ट यदि आयरन है तो फाइव पार्ट सिल्वर है सिमिलरली यदि उसी तरह बी है जो बी जो एलॉय है बी में फाइव पार्ट आयरन है और थ्री पार्ट सिल्वर है क्या कहा गया क्वेश्चन में क्वेश्चन में कहा गया है इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ एलॉय दोनों ही एलॉय की जो इक्वल क्वांटिटी है उसको हमने मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके हमने एक नया एलॉय बनाया उन दोनों को मिक्स करके हमने एक नया एलॉय बनाया वट इज द रेशियो बिटवीन आयरन एंड सिल्वर इन द न्यू एलॉय यानी अब आपको जो नया एलॉय बना है उसमें जो आयरन और सिल्वर का रेशियो है वो निकालना है ठीक है समझ में आया क्वेश्चन अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनली करेंगे ना तो इट विल टेक टू मच टाइम बहुत टाइम लगेगा मैं आपको एक ऐसा तरीका क्वेश्चन को करने का बता रहा हूं जो आपको समझ में भी आएगा जो कंसेप्ट पे बेस भी होगा और बहुत जल्दी भी आप उसको निकाल सकते हैं ठीक है चलिए देखिए सबसे पहले हमारे पास दो अलॉय हैं ठीक है मान लेते हैं ये एक अलॉय है ए ठीक इस इस एलोए को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है क्या सेवन रेशियो फाइव में डिवाइड किया गया और एक अलाय है बी इस एलॉय को फाइव थ्री में डिवाइड किया गया है ठीक है ये जो अलॉय है इसको फाइव रेशियो थ्री में डिवाइड किया हुआ है ठीक अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या होगा इन दोनों के इक्वल अमाउंट को मिलाना है ना हमने मतलब इसका जितना अमाउंट लेंगे उतना ही अमाउंट हम इसका लेंगे क्योंकि रेशियो से हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम सबसे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं ठीक है बहुत ध्यान से देखिएगा यही तरीका आपको हर क्वेश्चन में लगभग अपनाना है ठीक है तो चलिए ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे सबसे पहले देखिए हमें नए का रेशियो निकालना है और नए अलॉय का रेशियो निकालने के लिए हमें क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी है ना हमें कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है वो निकालना पड़ेगा कोई एक क्वांटिटी को हमें एज्यूम करना पड़ेगा तो उस क्वांटिटी को एज्यूम कैसे करेंगे हम देखिए सेवन और फाइव सेवन और फाइव का एडिशन कितना हो गया ट्वेल्व हो गया है ना यानी जो ए है ये ट्वेल्व पार्ट है और ये फाइव और थ्री का एडिशन कितना हो गया एट हो गया इसका एडिशन एट हो गया यानी जो बी है वो 8 पार्ट है लेकिन दोनों तो बराबर नहीं है ना इन दोनों को हम बराबर कैसे कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं तो टोटल पार्ट कितना हो गया ट्वेल्व हो गया सिमिलरली फाइव पार्ट आयरन है थ्री पार्ट सिल्वर है तो टोटल पार्ट एट हो गया लेकिन हमें दोनों का इक्वल क्वांटिटी मिलाना है ट्वेल्व और एट तो मिला नहीं सकते तो हम दोनों इक्वल क्वांटिटी बना देते हैं कैसे बनाते हैं इक्वल क्वांटिटी ट्वेल्व और एट का हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं 12 और एट कल्सियम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा मैंने आपको एल्सियम करना भी सिखा रखा है डायमंड वर्क में 24 हो जाएगा तो हम क्या मान लेंगे कि भाई हम ए का भी 24 मिला रहे हैं और बी का भी 24 मिला रहे हैं क्लियर हो गया क्योंकि इसका एल्सियम है तो कैलकुलेशन ईजी होगी इसीलिए हम एल्सियम लेते हैं तो टोटल अलॉय जो ए है वो भी ट्वेंटी फोर है चाहे लीटर हो चाहे कुछ भी हो बी भी ट्वेंटी फोर है क्लियर हो गया नाउ यदि ए ट्वेंटी फोर है ध्यान दीजिएगा यदि ए ट्वेंटी फोर है तो ट्वेंटी फोर का सेवन रेशियो फाइव में डिवाइड होगा है ना और रेशियो को डिवाइड करना आपको आता है ट्वेंटी फोर को सेवन रेशियो फाइव में डिवाइड करना है तो हम कैसे करते हैं हम ट्वेंटी अपॉन ट्वेल्व कर लेते हैं है ना 12 24, तो ये कितना हो जाएगा 7 14 और यदि आपको ये तरीका समझ में नहीं आया तो रेशियो प्रपोर्सन की जो प्लेलिस्ट है वो मैं आई बटन में दे दूंगा वहां से आप सीख लेंगे ये बहुत सिंपल होता है बेसिकली ट्वेंटी फोर को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया सेवन रेशियो फाइव में हमने डिवाइड कर दिया तो फोर्टीन आ गया और क्या आ गया टेन आ गया सिमिलरली ट्वेंटी फोर को फाइव रेशियो थ्री में डिवाइड कर देंगे तो ट्वेंटी फोर फाइव और थ्री ट्वेंटी फोर एट कितना टेन तो 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 था ये सिल्वर है, है और ये फिफ्टी आयरन है और नाइन सिल्वर है अब जो नया बना हमने दोनों को क्या कर दिया मिक्स कर दिया ऐड कर दिया तो जो नया बनेगा आयरन के साथ आयरन जुड़ेगा सिल्वर के साथ सिल्वर जुड़ेगा रहेंगे दोनों एक ही में लेकिन कैलकुलेशन में तो आयरन आयरन कितना है फोर्टीन और फिफ्टीन यानी फोर्टीन प्लस फिफ्टीन ठीक है ये हो गया आयरन और सिल्वर कितना हो जाएगा टेन प्लस नाइन ये सिल्वर हो जाएगा तो कितना बना आपका रेशियो फोर्टीन प्लस फिफ्टीन कितना होता है देखिए इसको भी ना फाइव प्लस फोर नाइन मत करने लग जाना फिफ्टीन टूज तो थर्टी थर्टी होता है आपको पता है तो ट्वेंटी नाइन हो जाएगा क्योंकि एक कम है ट्वेंटी नाइन हो गया आयरन और सिल्वर कितना हो गया नाइन अब इसमें कुछ हम तो फर्दर इसको कट नहीं कर सकते तो आपका आंसर आ गया ट्वेंटी नाइन रेशियो नाइनटीन था ना सिंपल ठीक है चलिए यदि आपको यह समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए आपको बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा ठीक है आगे भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ इस तरीके की चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है टू मिक्सचर ए एंड बी कंटेन्स फिफ्टीन एंड ट्वेंटी एसिड क्लियर वेन दे आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ फोर रेशियो इलेवन इन वेसल देन ट इज द रेशियो बिटवीन एसिड एंड वॉटर इन द न्यू वेसल क्या बोला गया है सेम लगभग लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है आपको बोला गया है कि दो मिक्सचर हैं ए और बी ए में फिफ्टीन परसेंट एसिड है और बी में ट्वेंटी परसेंट एसिड है और बाकी वाटर है वॉटर यहां पर हमें बता रखा उसने, है उसने ठीक है बाकी वॉटर है वेन दे आर मिक्स इन द रेशियो फोर रेशियो इलेवन अब इसमें डिफरेंट क्या है देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने इक्वल अमाउंट में मिक्स किया था दोनों को लेकिन यहां पर जो हम मिक्स करेंगे वो क्या करेंगे हम हम फोर रेशियो इलेवन में वाले का हम फोर पार्ट लेंगे और बी वाले का हम पार्ट लेंगे क्लियर हो गया देन इज द रेशियो बिटवीन द जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें एसिड और वाटर का आपको रेशियो निकालना है क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं ए और बी दो आपके मिक्सचर हैं ए में 15 परसेंट एसिड है बाकी पानी है बी में 20 परसेंट एसिड है बाकी पानी है आपको इन दोनों को किस रेशियो में मिलाना है फोर रेशो इलेवन ए का फोर पार्ट आप लेंगे और बी का इलेवन पार्ट आप लेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में, में दोनों का सेम सेम पार्ट लिया था इसमें रेशियो दे दिया आपको

अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं ना हमें तो आता है तो जब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे इसको 5 से कट करेंगे तो वाटर तो का जो रेशियो है वो थ्री रेशियो सेवनटीन है यह है आपका एसिड और यह है आपका वाटर सिमिलरली जो बी में एसिड और वाटर का रेशियो है वह रेशियो फोर ठीक है अब इसका फोर पार्ट मिलाना है और बी का फोर पार्ट मिलाना इक्वल नहीं करना है यदि हमें इक्वल करना होता ध्यान रहे यदि हमें दोनों का इक्वल पार्ट मिलाना होता हम क्या करते इन दोनों को, इन दोनों दोनों को का एक्चुअल मिक्सचर लेते फिर इसको क्या करते करते है ना ऐसा ही कुछ करते अभी भी हम वही कर रहे हैं सेवन और थ्री कितना हो गया ट्वेंटी वन और फोर कितना हो गया फाइव अब ध्यान दीजिए क्या करना था यदि यहां पे इक्वल पार्ट लेना होता तो हम दोनों का एलसीएम ले लेते दोनों को इक्वल कर लेते लेकिन हमें क्या करना है इसका फोर पार्ट लेना है इसका कितना पार्ट लेना है इसका फोर पार्ट लेना है और इसका इलेवन पार्ट लेना है क्लियर हो गया इसका फोर पार्ट लेना इसका इलेवन पार्ट लेना अब कैसे लेंगे फोर पार्ट और इलेवन पार्ट ठीक है इसको करने का ना एक बहुत अच्छा तरीका है देखिए फोर रेशियो इलेवन था फोर रेशियो इलेवन का मतलब ये है कि फोर एक्स और इलेवन एक्स लेते थे ना हम लोग ऐसे ले सकते थे तो हम क्या करेंगे इस एक्स को ना हम जीरो के ले लेंगे यानी मैं इसको ले लूंगा फोर्टी लीटर और इसको ले लूंगा वन वन जीरो लीटर क्यों लिया हमने ये क्योंकि ये फोर्टी ट्वेंटी से डिवाइड हो जाएगा और ये वन वन जीरो फाइव से डिवाइड हो जाएगा टोटल सोल्यूशन से क्योंकि टोटल हमारा कितना आ रहा है फाइव आ रहा है इसको डिवाइड करना है तो वन वन जीरो दोनों जगह मैंने जीरो बढ़ा दिया टेन से मल्टीप्लाई कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि एट द एंड हमें रेशियो निकालना है हमें क्वांटिटी नहीं निकालनी है यदि हमें क्वांटिटी निकालनी होती तो हम रेशियो नहीं लेते मतलब जीरो नहीं बढ़ाते ठीक है हमें रेशियो निकालना है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं बाद में तो कट हो ही जाना है तो ये हमने ले लिया फोर्टी लीटर ये वन ठीक है क्लियर हो गया ठीक है एक और तरीका इसको करने का था क्या था मैं आपको बता देता हूं आप उसको खुद ट्राई करिएगा नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं वो भी आपको बता दूंगा क्या तरीका हो सकता था हम इन दोनों का एलसीएम लेते और फिर इसको मल्टीप्लाई करते इस, उस एलसीएम का फोर टाइम्स यहां रखते और इलेवन टाइम्स यहां रखते तो भी आपका आंसर सेम आ जाता ठीक है फिलहाल इस तरीके से देखते हैं टोटल सोल्यूशन कितना था फोर्टी लीटर था है ना फोर्टी लीटर टोटल सोल्यूशन था इसका फोर्टी फोर्टी लीटर और इसका वन लीटर लेना है हमें है ना तो 40 लीटर था 40 में से 20 को आप डिवाइड करेंगे सिमिलर पहले क्वेश्चन की तरह तो 40 इस फोर्टी लीटर में यदि बात करूं तो एसिड कितना है आपका सिक्स लीटर है और वाटर कितना है 34 फोर लीटर सिमिलर प्रोसेस इसमें भी करेंगे हम 5 से जब हम 110 को डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम्स जाता है ट्वेंटी टू टाइम्स जाता है तो आप ट्वेंटी टू इंटू क्या करेंगे 1 करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू इंटू फोर करेंगे तो आ जाएगा एट्टी एट क्लियर हो गया समझ आ रहा है ना ठीक है हमने क्या किया वन वन डिवाइड कर दिया ठीक है उसी तरह हमने क्या किया फोर्टी लीटर को थ्री रेशियो सेवेंटीन में डिवाइड कर दिया बाकी जैसा पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हो गया क्या हुआ सिक्स और ट्वेंटी टू एसिड हो गया नए सोल्यूशन में तो सिक्स प्लस ट्वेंटी टू ठीक है ये हो गया एसिड और वाटर कितना हुआ थर्टी फोर प्लस एटी एट ठीक है यही तो हुआ अब इसको ऐड करी तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी हो गया और उसके बाद ये कितना हो जाएगा टू हो जाएगा अब देखिए फर्दर अभी सॉल्व होगा आगे कैसे होगा इसको टू से कट करेंगे तो यह जाएगा फोर्टीन फोर्टीन टू ट्वेंटी एट और रेशियो सिक्सटी टू जै वन ट्वेंटी होता है तो सिक्सटी वन हो जाएगा आपका आंसर हो गया फोर्टीन रेशियोटी वन जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं पिछले क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस बस इतना था पिछले क्वेश्चन में, में दोनों की समान मात्रा को मिलाया था इक्वल अमाउंट को मिलाया था लेकिन इस क्वेश्चन में हम इसका फोर पार्ट ले रहे हैं और इसका वन वन जीरो पार्ट ले रहे हैं ठीक है जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया उसको आप जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आया या नहीं आया ठीक है चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को अवैसे कंटेन्स वन ट्वेंटी एट लीटर ऑफ प्योर मिल्क थर्टी टू लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेड बाई इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टू टाइम्स मोर फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क एट द एंड ऑफ द प्रोसेस देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वैसल है उसमें एक लीटर दूध है उसमें से हमने बत्तीस लीटर दूध निकाल दिया और उसकी जगह बत्तीस लीटर पानी डाल दिया ठीक है और इसी प्रोसेस को हमने कितने बार किया दो बार और किया यानी टोटल ये प्रोसेस कितनी बार हुई तीन बार हुई अब एट द एंड जो भी आपके पास मिक्सचर बचा हुआ है उसमें कितना दूध है क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क आपको क्या करना है निकालना था ठीक है चलिए देखते हैं समझते हैं क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप देखेंगे इस क्वेश्चन को आपको ये क्वेश्चन ना जगह देखने को मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन के जनरली हमें देखने को मिलते हैं अब इन टाइप के में ना आपको दो चीजें ध्यान रखनी होती है पहली चीज दोनों ही चीज कंसेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है मैं हमेशा कहता हूं बेसिक बहुत जरूरी है तो उसी बेसिक चीज को आपको समझना है दो चीजें बेसिक हैं वो चीजें आप ध्यान से सुनिए देखिए एक वैसल है 128 लीटर इसमें क्या है मिल्क है ठीक हो गया इसमें से 32 लीटर मिल्क हमने निकाल दिया निकाल दिया और फिर इसमें हमने 32 लीटर वाटर क्या कर दिया ऐड कर दिया अब ध्यान दो 32 लीटर निकाला फिर 32 लीटर डाल दिया तो क्या टोटल जो आपका लीटर में जो होगा उसमें कोई चेंज आएगा नहीं आएगा ना पहले भी एक था अब भी एक हो जाएगा बस अंतर ये होगा डिफरेंस ये होगा कि पहले पूरा मिल्क था अब मिल्क प्लस वाटर हो गया लेकिन टोटल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा चाहे हम प्रोसेस एक बार करें चाहे दो बार करें बस उसके रेशियो में चेंज आ जाएगा ठीक हो गया क्लियर हो गया अब दूसरी चीज़ ये पहली चीज थी दूसरी चीज ध्यान से देखिए पहली प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस पे जब हम आते हैं तो 32 लीटर मिल्क निकालते हैं अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आपके पास एक ग्लास है ग्लास में आपने थोड़ा दूध डाला और थोड़ा उसके ऊपर पानी डाल दिया आप एक बात बताइए क्या आप दूध में से पानी को या पानी में से दूध को अलग निकाल सकते हैं नॉट पॉसिबल ना तो वही चीज इसमें भी अप्लाई होती है जब दूसरे स्टेप पे हम आते हैं तो 32 लीटर मिल्क नहीं निकलता है ध्यान रखें बत्तीस लीटर मिल्क कभी नहीं निकलता है जो निकलता है हमारा वो दोनों निकलता है।, है, ना? होता है।, क्या है समझेंगे 128 लीटर था आपका मिल्क 32 लीटर निकल गया 32 लीटर पानी हो गया नहीं थर्टी लीटर तो इसमें पानी है भैया बाकी बचा कितना नाइनटी लीटर आपका क्या बचा मिल्क बचा ये मिल्क हो गया रेशियो कितना हो जाएगा कट कर दीजिए ये आप हो टू जी थर्टी टू और सिक्सटीन सिक्सा नाइनटी सिक्स हो गया ये वन रेशियो थ्री हो गया ये ठीक है ये हो 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 गया 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 यानी पार्ट पार्ट मिल्क और क्या वाटर अब इसका मतलब जब आप बत्तीस लीटर इसमें से निकालोगे ना तो 32 लीटर में भी ध्यान से समझना 32 लीटर जो निकलेगा वो मिल्क नहीं निकलेगा वो वाटर प्लस मिल्क दोनों निकलेगा और किस रेशियो में निकलेगा थ्री रेशियो वन में ही निकलेगा थ्री रेशियो वन का मतलब फोर एट थर्टी टू एट थ्री जी ट्वेंटी फोर और एट वन जा एट यानी ट्वेंटी बत्तीस लीटर में से ट्वेंटी फोर लीटर दूध निकलेगा और एट लीटर मिल्क निकलेगा क्लियर हो गया दो चीजें मैंने आपको बताई पहली चीज जो टोटल सोल्यूशन है वो कभी चेंज नहीं होता है चाहे आप कितनी भी प्रोसेस कर लें और दूसरे स्टेप से जो भी आपका टोटल सोल्यूशन आप निकाल रहे हैं उसमें से बाहर जो भी आप टोटल सोल्यूशन उसमें से बाहर निकाल रहे हैं वो कभी भी पूरा मिल्क नहीं निकलेगा मिल्क और वाटर दोनों निकलेगा और किस रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में वो है उसी रेशियो में निकलेगा ध्यान दीजिएगा बत्तीस लीटर हमने निकाला फिर बत्तीस लीटर पानी डाल दिया तब भी एक में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन अब फिर से इसके रेशियो में चेंज हो गया मिल्क और वाटर के रेशियो में होगा ना क्योंकि मिल्क अब तो 96 मिल्क नहीं रहेगा ना और कम हो गया और 32 मिल्क कम हो गया 32 नहीं और इस रेशियो में जो कम हो गया है ना तो ये रेशियो फिर से थ्री रेशियो वन नहीं रहेगा फर्दर ऐसे आगे चलता रहेगा ठीक है इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ठीक क्लियर हो गया अब क्वेश्चन को करना कैसे उस चीज को समझते हैं ठीक है ध्यान दीजिएगा इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से दिमाग में आप रखिएगा बहुत जरूरी है ये कंसेप्ट अब क्वेश्चन कैसे करना है क्वेश्चन क्या करना है देखिए एक पहले था ये एक था फिर तीन बार प्रोसेस की गई ना ठीक है तो यह एक फिर हो गया मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं ध्यान से आपको समझने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं ठीक अब देखिए 128 लीटर में से 32 लीटर निकाला गया अब यदि मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ 32 टू बाई वन में कर देता हूँ तो यानी 32 टू फोर कितना होता है 128 यानी बेटा निकाला. निकाला, निकाला, तो बार. पहली बार दूसरी बार तीन बार तीनों बार क्या निकाल रहे वन बाई फोर पार्ट निकाल रहे अब ध्यान से समझिएगा यदि वन बाई फोर पार्ट निकाल रहा हूं इसका मतलब क्या है कि मैं फोर में से वन निकाल रहा हूं कि मैं फोर पार्ट में से वन पार्ट निकाल रहा हूं तो फोर पार्ट में से वन पार्ट निकाल रहा हूं यानी ये फोर पार्ट की वैल्यू हो जाएगी लेकिन हमारे पास तीन स्टेप हैं। तो आप इसको कैसे करोगे थ्री स्टेप में ध्यान देना पहले पार्ट में से एक पार्ट निकल गया फिर दूसरे फोर पार्ट में से एक पार्ट निकल गया फिर तीसरे फोर पार्ट में से एक पार्ट निकल गया ठीक हो गया तीन बार स्टेप हो गया हमारा ठीक इसको आपको मल्टीप्लाई करना है फोर का क्यूब कितना होता है फोर फोर सिक्सटीन सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर ठीक है अच्छा एक पार्ट निकल गया ठीक है एक एक पार्ट निकल गया बाहर लेकिन बचा कितना एक पार्ट निकलने के बाद जो बचा है वो कितना बचा है आपके पास बचा है थ्री पार्ट थ्री पार्ट और थ्री पार्ट एक एक पार्ट निकल गया और थ्री थ्री पार्ट क्या हो गया बच गया अब ये जो बचा है उसके फर्दर कैलकुलेशन इस इसे हो रही है जो बचा जो, जो पार्ट बचा बचा हुआ हुआ है है पार्ट तो आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो इस पे करेंगे तो थ्री का क्यूब कितना होता है थ्री का क्यूब होता है आपका ट्वेंटी सेवन समझ में आया वन बाई फोर पार्ट फोर पार्ट में से वन पार्ट निकला थ्री पार्ट बचा फिर फोर पार्ट में से वन पार्ट निकला थ्री पार्ट बचा फिर फोर पार्ट में से वन पार्ट निकला थ्री पार्ट बचा ऐसा करने के बाद ध्यान रखिएगा जो भी आपका टोटल ये जो इधर वाली जो वैल्यू आती है ये हमेशा टोटल मिक्सचर होता है क्या होता है टोटल मिक्सचर टोटल मिक्सचर मतलब इसमें वाटर और मिल्क क्या है दोनों है इसमें वाटर और मिल्क दोनों है यानी ये वाली कंडीशन आ गई आपकी ठीक है ये वाली कंडीशन जो ये वन लास्ट में बचा ये वो सिक्सटी है ठीक हो गया उसके बाद ये ट्वेंटी सेवन क्या है ये ट्वेंटी सेवन वो है जो सबसे पहले हमने निकाला था क्या निकाल रहे हैं हम मिल्क निकाल रहे हैं तो 27 क्या हो गया 27 क्या होता है मिल्क होता है ठीक है 27 क्या होता है मिल्क होता है अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान दीजिए 64 क्या बोला मैंने 128 यानी 64 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 64 पार्ट की वैल्यू हो गई 128 आपको क्या निकालना है मिल कितना बचा हुआ है आपको ट्वेंटी सेवन पार्ट की वैल्यू निकालनी है निकाली तो सेवन पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 पार्ट की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे अब देखिए कितने जा 122, 128 into 2 जब आप करोगे ना तो वन ट्वेंटी इन टू करोगे तो आपका ये फिफ्टी फोर जाएगा ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया क्लियर हो गया ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ईजी है बस लेंदी मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि ये आपको समझाना था मुझे ठीक है तरीका आपको समझ में आ गया जो आगे वाले क्वेश्चन हैं वो भी मैं बिल्कुल ऐसी तरीके से आपको बताने वाला हूं ठीक है तो चलिए नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट कर लीजिए आपको डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेसल 64 लीटर प्योर मिल्क 8 लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम प्रोसीजर नाउ 16 लीटर पहले 8 लीटर निकाला था आप 16 लीटर निकाल दिया मिक्सचर इज रिप्लेस्ड सिर्फ दूध नहीं निकलेगा ना पानी और दूध दोनों निकलेंगे जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर फाइंड द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द एंड ऑफ द प्रोसेस अब आपको रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है चलिए देखते हैं पहले कितना था सिक्सटी फोर था ठीक हो गया पहले सिक्सटी फोर था इसमें से हमने क्या निकाला एट एट बाई कितना होता है एट बाई कितना हो गया वन बाई एट इसमें से हमने वन बाई एट पार्ट निकाल दिया ठीक हो गया वन बाई एट पार्ट निकाल दिया तब भी हमारे पास कितना बचेगा सिक्सटी फोर ही बचेगा है ना सिक्सटी फोर में से अब हमने कितना सिक्सटीन सिक्सटीन बाई सिक्सटी फोर कितना होता है फोर था, 16, 4 था. अब हमने क्या किया वन बाई फोर पार्ट निकाला तब जाके हमारा 64 आ गया फिर दोबारा ना है, है ना? तो, आपको आपको तो अब ये एट और फोर है तीनों जगह फोर नहीं जैसे पहले एक पार्ट गया कितना बचा सेवन पार्ट एक पार्ट निकल गया सेवन पार्ट बचा ठीक है फिर फोर पार्ट था आपका फोर पार्ट में से एक पार्ट निकल गया कितना बचा थ्री पार्ट बचा क्लियर हो गया एट फोर थर्टी टू सेवन थ्री ट्वेंटी वन सेम पिछली बार की तरह जो 32 आपका होगा वो क्या कितना होगा आपका टोटल होगा टोटल जो सिक्सटी फोर था ये होगा और जो 21 बचा जो हम सबसे पहले निकाला था वो होगा यानी मिल्क होगा ठीक है आपको क्या निकालना है फाइंड द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर निकालना है अब भाई मिल्क तो हमारे पास है ट्वेंटी लेकिन वाटर नहीं है तो वाटर क्या करेंगे टोटल में से मिल्क को माइनस कर देंगे थर्टी टू माइनस ट्वेंटी वन आप करोगे तो कितना आ जाएगा इलेवन आ जाएगा तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया ट्वेंटी वन रेशियो इलेवन क्लियर हो गया बहुत ही अच्छा तरीका है इसको करने का तो बहुत अच्छे से समझिएगा ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे कह रहा है अ टोटल तीन बार हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन बाई द कंटेनर ठीक है चलिए समझते हैं बहुत अच्छे से सेम क्वेश्चन है फोर्टी लीटर तीन बार यानी फोर्टी 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 और जो बाकी लास्ट में बचेगा वो भी कितना ही होगा फोर्टी होगा फोर लीटर बार बार निकाल रहे हो यानी फोर बाई फोर्टी यानी वन बाई टेन आप बार बार निकाल रहे हो पहली बार वन बाई टेन निकाला दोबारा फिर वन बाई टेन निकाला और तीसरी बार फिर क्या निकाला वन बाई टेन निकाला ठीक यानी पहली बार टेन निकाल दिया टेन एक पार्ट निकाल दिया टेन में से तो कितना बचा नाइन पार्ट बचा फिर टेन में से एक पार्ट निकाला नाइन बचा फिर टेन में से एक पार्ट निकाला नाइन बच गया ठीक है तो ये टेन का आपका क्यूब कितना होता है थाउजेंड नाइन का क्यूब आपको पता होना चाहिए सेवन ट्वेंटी नाइन होता है ठीक है क्या निकालना है आंसर है हाउ मच मिल्क इट नाउ कंटेंट बाय द कंटेनर मिल्क कितना है सेवन ट्वेंटी नाइन यूनिट है ये यूनिट है ठीक है ये यूनिट आया हमारा भी ये यूनिट है तो थाउजेंड की वैल्यू कितनी है थाउजेंड पार्ट की जो वैल्यू हो गई थाउजेंड यूनिट की जो वैल्यू हो गई वो हो गई फोर्टी आपको कितने की निकालनी है सेवन ट्वेंटी नाइन की ये हो जाएगा जीरो से जीरो कट कर दीजिए तो हंड्रेड पार्ट की वैल्यू फोर हो गई है ना आपको सेवन ट्वेंटी नाइन की निकालनी तो वन पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन पार्ट की वैल्यू हो जाएगी आपकी फोर अपॉन हंड्रेड ठीक सेवन ट्वेंटी नाइन पार्ट की वैल्यू हो जाएगी फोर अपॉन हंड्रेड इंटू सेवन ट्वेंटी नाइन हो जाएगी ठीक है तो नाइन फोर जा थर्टी सिक्स कैरी थ्री फोर फोर टू जॉ एट नाइन टेन इलेवन कैरी वन फोर सेवन जा ट्वेंटी एट और वन ट्वेंटी नाइन

हाउ मच मिल्क कंटेनर होल्ड ओरिजिनली सेम क्वेश्चन है बस आपको रिवर्स करना है इसमें क्या क्या, क्या गया आपको टोटल क्वांटिटी भी दी है आपको दे रखा है कि जो एट द एंड जो रेशियो है वह सिक्सटीन रेशियो एट्टी वन है लेकिन किसका मिल्क और टोटल का ठीक है वही सेम क्वेश्चन है और एट लीटर निकाला था और प्रोसेस को थ्री मोर टाइम यानी चार बार किया गया पहले एक बार और तीन बार और ज्यादा तो चार बार किया गया ठीक है सेम प्रोसीजर रिवर्स चलेंगे हम क्या कर रहे थे पहले इधर टोटल लिख रहे थे और इधर मिल्क लिख रहे थे, थे तो यहां पे हम इसको रिवर्स कर लेते हैं इसको हम लिख देते हैं एटी वन और इसको लिख देते हैं ठीक 16, 16, है अब देखिए अब चार बार प्रोसेस हो रही है यानी पे जो भी नंबर आएगा वो चार बार आएगा यानी किस नंबर की पावर फोर होकर एटी वन आ जाए आपको पता होना चाहिए थ्री, थ्री 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 ये हो गया थ्री फोर टाइम्स यानी थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कितना होता है एटी वन सिक्सटीन कैसे आता है टू इंटू टू इंटू टू इंटू

तो आपने एट लीटर निकाला एक्स लीटर में से निकाला जो आपको निकालना है उसकी वैल्यू कितनी आ गई थ्री आ गई तो एक्स इजी आ जाएगा आपका कितना ट्वेंटी फोर लीटर ठीक है ये आपका आंसर हो गया जो कि बहुत अच्छा तरीका था रिवर्स चलना था बस आपको ठीक है अब इस लेसन में इतने ही हम क्वेश्चंस करेंगे और मुझे लगता है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं अब सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है इसके बाद भी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है यानी जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चंस वो मैं आपके लिए अगले लेसन में लेके आऊंगा बने रहिए क्यूट्रिक्स के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो लाइक करें यदि आपको पसंद आइए शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड डू सब्सक्राइब क्यू ट्रिक्स थैंक यू सो मच